नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीकेजी स्टडीज एंड एसजीकेजी 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन कॉमन टर्मिनोलॉजी। कई बार समाज में लोग मजिस्ट्रेट के बदले जज बोल देते हैं, जज के बदले जस्टिस बोल देते हैं, जज के बदले मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, वो तो ये तीनों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। सत्य क्या है? क्या मजिस्ट्रेट, जज, जस्टिस तीनों एक होते हैं या इन तीनों में कुछ डिफरेंस होता है? तो हम ये देखेंगे कि जज, मजिस्ट्रेट, जस्टिस तीनों होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर तीनों एक जैसे नहीं होते, एक ही नाम नहीं है, तो क्या इन तीनों में पावर में भी कुछ कुछ डिफरेंस है क्या? उसके बारे में यहां पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये किसी एक बुक में ढूंढने से ये नहीं मिलेगा। ये कई लोगों से बात करके, कई सोर्सेस को पेनिट्रेट करके वहां से ये रिसोर्सेस आपके लिए लाए गए हैं। सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ छूट ना जाए। ये देखिए, इंडिया में ये कोर्ट्स की हायरार्की है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जब डिस्ट्रिक्ट में आ गए, जब डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं तो यहां से तीन भाग हो जाते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद से ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद से, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, हाई कोर्ट लगभग सभी स्टेट्स में है, कि कहीं कहीं पे दो स्टेट को मिला करके एक हाई कोर्ट बनाया गया और कहीं पर एक स्टेट में दो चार हाई कोर्ट के बेंचेज हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के यहां पर डिवीजन किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स मतलब नॉन क्रिमिनल केसेस। सिविल में क्या आ सकते हैं? लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट भी आ सकते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड डिस्प्यूट भी आ सकते हैं, कुछ जितने भी टॉर्ट्स मटेरियल हैं, बैंकिंग इशू हो गया, कंज्यूमर इशू हो गया, फैमिली कोर्ट इशू हो गया, ये सब सिविल कोर्ट्स में आते हैं। ये मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल कोर्ट्स में ये मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है। क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स में हाईएस्ट ट्रायल कोर्ट जो होता है सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट के नीचे मेट्रोपॉलिटन, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो फर्स्ट क्लास के होते हैं, सीनियर मोस्ट। उसके बाद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के होते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे एसडीएम वगैरह होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में ऐसे आ जाते हैं। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी, हाई कोर्ट लगभग हर राज्य में होता है, और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीन वैरायटी के होते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखिए, आपको इसके बाद समझने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तीन पार्ट हो गए, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स। आगे बढ़े, ये देखिए, अब यहां से हम थोड़ा सा बाइफर्केशन शुरू करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट एज इट इज आपके लिए हो गया, हाई कोर्ट एज इट इज है, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ये देखिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, ये जो है, ये क्रिमिनल केसेस के बारे में बता रहे हैं। यहां से लेकर के ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जब भी सेशन जज होगा, जब भी सेशन कोर्ट होगा, वो क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे होंगे। क्रिमिनल केसेस में
मारपीट, छिनौती, पटौती, जितने भी अब तो इंडियन पेनल कोड रहा नहीं, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो भारतीय न्याय संहिता में जिस एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस का नाम दिया गया है, या स्पेशल लॉज के द्वारा, लोकल लॉज के द्वारा जिस एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस का नाम दिया गया है, उन सारे ऑफेंसेस को क्रिमिनल कोर्ट्स में डील करते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट का हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट ट्रायल कोर्ट जो होता है वो सेशन जज होता है। डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज होते हैं, उनके पैरेलल में एडिशनल सेशन जज होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, उनके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, मतलब सीजीएम कोर्ट होता है। सीजीएम कौन बनते हैं? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो सीजीएम बनते हैं, नहीं तो एसीजीएम भी होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में सीजीएम होंगे, जेएम फर्स्ट क्लास होंगे, जेएम सेकेंड क्लास होंगे। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रीवियस सेंसस के अनुसार जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो 1 मिलियन से ज्यादा जहां का पॉपुलेशन हो वहां पर उसको मेट्रो सिटीज बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। और जब मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलेंगे तो वहां के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, चीफ मजिस्ट्रेट साहब, उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे, और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। ये क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की हो गई। क्रिमिनल कोर्ट्स में भी अपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, और उसके बाद से सीजीएम का कोर्ट होता है। सो सीजीएम का कोर्ट जो है, उस सीजीएम के कोर्ट में सीजीएम हो गए, जेएम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, जेएम सेकेंड क्लास हो जाएंगे, अगर मेट्रोपोलिटन सिटीज है। अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 आया है, उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पोस्ट खत्म कर दिया गया है, यहां पर भी इनको चीफ जुडिशियल सीजीएम ही कहा जाएगा। तो ये सीजीएम साहब का कोर्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो शेड वाला एरिया आ रहा है, ये हल्का हल्का सा शेड वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये जो हल्का हल्का सा जो शेड एरिया है, इस एरिया में जो साहब बैठते हैं, जुडिशियल अफसर, जो भी जुडिशियल अफसर बैठते हैं उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वेरी क्लियर। सीजीएम से लेकर के, ये देखिए सीजीएम ऑलरेडी मजिस्ट्रेट वर्ड लगा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट वर्ड लगा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में मजिस्ट्रेट वर्ड लगा हुआ है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट शब्द लगा हुआ है। तो ये जो एरिया, जो ये शेडेड एरिया आ रहा है आपको, इस कोर्ट में जो भी जुडिशियल अफसर बैठते हैं उनको मजिस्ट्रेट कहते हैं। कहने का मतलब कि सीजीएम कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट एंड बिलो जितने भी क्रिमिनल केसेस को डील करने वाले जुडिशियल अफसर हैं उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, मजिस्ट्रेट साहब है ये, इनको जज नहीं कहा जाता, इनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। हा? इनसे ऊपर वाले जितने, इनको जज कहा जाता है। वेरी इजी। सीजीएम कोर्ट एंड बिलो क्रिमिनल केसेस में जितने भी जुडिशियल अफसर हैं इनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, एज इट इज इनके नाम के आगे मजिस्ट्रेट लगा होता है। सो ये मजिस्ट्रेट है, ये जज साहब नहीं है। और इनके ऊपर जितने हैं, असिस्टेंट सेशन जज, एडीजे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबको जज कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजीएम के नीचे के सबको मजिस्ट्रेट कहते हैं, और एएसजे असिस्टेंट सेशन जज से ऊपर को सबको जज कहते हैं। इसके नीचे सब मजिस्ट्रेट, इसके नीचे सब जज हो गए। रुकिए रुकिए, अभी भी है, अभी भी आपके लिए कुछ पिटारा खुलना बाकी है। ये देखिए, ये सिविल केसेस को डील करते हैं, हमने बताया ना, ये तो क्रिमिनल केसेस हो गया। तो क्रिमिनल केसेस में जो डील करते हैं इनको मजिस्ट्रेट कहते हैं सीजीएम तक। ये सिविल केसेस है, ये सिविल केसेस के जो डील करते हैं इनको भी जज कहा जाता है, इनको मजिस्ट्रेट नहीं कहते हैं।
इनको मजिस्ट्रेट नहीं कहते हैं, इनको भी सिविल केसेस को वाले को जज कहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स को जज कहते हैं। सिर्फ सीजीएम एंड बिलो जो क्रिमिनल केसेस हैं, इस जुडिशियल ऑफिसर को हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, बाकी सबको जज ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब, हाई कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर जज साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होते हैं जज साहब, एडिशनल सेशन जज जो होते हैं जज साहब, कभी कभी इनको एडीजे भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज करके, असिस्टेंट सेशन जज साहब हैं, इनके नाम में एज इट इज जज रखा हुआ था, जज साहब हो गए। सिविल केसेस जितने डील करते हैं ये सब जज साहब हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस जो डील करते हैं, जो सीजीएम एंड बिलो होते हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब है। क्लियर। एक और टर्मिनोलॉजी बाकी है, जस्टिस। जस्टिस किसको कहते हैं? हाँ, जज साहब और मजिस्ट्रेट साहब का तो क्लियर यहां पर अंडरस्टैंडिंग हो गया, जस्टिस किसे कहते हैं? तो साहब ऐसा है, कॉमन पर्लेंस ये है कि ये जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इट इज हेडेड बाय सम चीफ पर्सन, होंगे ना, सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं ना, तो जनरली जो हेड ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है उनको जस्टिस कहा जाता है। जनरली जो हेड ऑफ द हाई कोर्ट एंड हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उनको जस्टिस कहा जाता है। बट इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी बाकी सभी जजेज को भी जस्टिस कहा जाता है। इवन दो हाई कोर्ट में जो जजेज हैं इनको भी जस्टिस कहते हुए सुना गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर हियरिंग करते हैं, चाहे ट्रायल तो होता नहीं वहां पर, सो जो भी अपना जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वाले साहब को जज भी कहते हैं और जस्टिस भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले जज को जस्टिस कहते हैं, हाई कोर्ट वाले जज को भी आजकल जस्टिस कहा जाने लगा है। वैसे हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हेड ऑफ द हाई कोर्ट को जस्टिस करने का रिवाज पहले से है, उनके नीचे वाले ये सब ये जज साहब ही है और इनको जस्टिस नहीं कहा जाता। और ये जो सीजीएम के नीचे वाले हैं इनमें तो एम लगा हुआ है, तो एम लगा हुआ तो मजिस्ट्रेट हो गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई, सुप्रीम कोर्ट वाले को कहते हैं, हाई कोर्ट वाले को भी कह देते हैं, जज साहब जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए कॉमन टर्मिनोलॉजी जज यूज किया जाता है, और सीजीएम एंड बिलो जो होते हैं इनको मजिस्ट्रेट वर्ड से पुकारा जाता है। जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी होती है ना, तो फौजदारी को क्रिमिनल केस कोर्ट कहते हैं और दीवानी को सिविल केस कोर्ट कहते हैं। सिविल कोर्ट में जो भी जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं बाय डिफॉल्ट उनको जज साहब कहा जाता है, वो मजिस्ट्रेट हो ही नहीं सकते। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं जी, तो उनके नाम में भी मजिस्ट्रेट लगा है, जैसे एसडीएम साहब होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ साहब जब रेवेन्यू एंड अदर स्टेट के जो जॉब है उसको डिस्चार्ज करते हैं तो एसडीओ कहलाते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर कहलाते हैं। और जब वो उसको अपना कोर्ट में बैठ जाते हैं तो उनको एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, तो वो भी मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। सिविल कोर्ट वाले सब मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, सॉरी वो भी मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। क्रिमिनल को जुडिशियल ऑफिसर जो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं ये भी मजिस्ट्रेट कहलाते हैं।
जज सिविल केस वाले कहलाएंगे, जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले कहलाएंगे, जज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वाले कहलाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को जस्टिस के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इन ब्रीफ आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस के बारे में जानकारी रही। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका अपना चैनल एसजीकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल एसजीकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए अवेयरनेस के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे इन दोनों चैनल से। नमस्कार।